देहरादून से ही खबर है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जाता हुआ साल प्रदेश को बड़े जख्म दे गया है। कोरोना महामारी के बहाने भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा। कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी होती तो इतने लोग साथ नहीं छोड़ते, उनकी जान नहीं जाती। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात सामने रखी है, जहां पर उन तमाम परिवार वालों का दर्द साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा जिन्होंने अपनों को खोया है इस जाते हुए साल में। लेकिन उन्होंने यहीं पर सत्ता पक्ष पर निशान भी लगाया, उंगली भी उठाई कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना की महामारी जिसका दूसरा फेज भी मानव निर्मित था, राज्य सरकारों की आपराधिक स्तर की लापरवाही के कारण उत्तराखंड, दिल्ली, देश के कई हिस्सों में हमने अपने करीबी लोगों को खोया। देश में ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, बेड की कमी आदि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग अकाल काल कर गए। उत्तराखंड में साल बीते बीते हमने भ्रष्टाचार, कुछ शिष्टाचार बनते देखा, खुलेआम पदों की नीलामी होते देखी, खनन के नाम पर पूरी नदियां, नाले, गाड़, गधेरे खोद डाले गए और सरकार ने खुद एडमिट किया है कि हाँ हुआ है, इसलिए हमने इस बीएफओ को स्थानांतरित कर दिया।